सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कई समय से मांग चल रही थी, मुझसे पूछा जा रहा था कि आप बताइए कि काम पिशाचिनी या भोग पिशाचिनी, जिस पर आपने वीडियो भी बनाया था, उसकी उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे और कैसी है उसकी साधनाएं। तो कोई भी साधना से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि वो साधना आई कहाँ से है, क्या उसके पीछे का राज क्या है। तो काफ़ी खोज के बाद मैंने ये चीज़ निकाली है। असल में इसकी जो कहानी है इसके साथ जुड़ी हुई और जो बात है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ये भाग एक है, उसके बाद उसकी कहानी भी पूरी तरह से समझाऊंगा कि क्या हुआ था और कैसे इस साधना के बाद में विकास हुआ और ये आगे यहाँ के बहुत ही भयानक एक साधना बन गई बाद में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय था, पुराने ज़माने में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से था। यहाँ पर तंत्र मंत्र के साथ योग चिकित्सा वगैरह सब सिखाया जाता था। एक समय यहाँ आचार्य शीलभद्र नाम के जो विश्वविद्यालय के कुलपति थे, जो वहाँ के मालिक थे, क्योंकि इस गांव को बहुत सारे इस मतलब विश्वविद्यालय को बहुत से गांव का अनुदान प्राप्त था और कई राजाओं ने इनको अनुदान दे रखा था। इस वजह से यहाँ का खर्चा चलता था, यहाँ की परीक्षा भी काफ़ी कठिन होती थी और हजारों बच्चे परीक्षा देते थे। 10,000 में केवल 2,000 या 1,000 बच्चे ही सफल हो पाते थे, वही यहाँ पर पढ़ाई करते थे। देश विदेश से लोग आते थे यहाँ पर तंत्र मंत्र आयुर्वेद वगैरह सीखने के लिए, मध्यकाल की ये बात है। तो उन्हीं में इनका एक शिष्य हुआ था, तो गोपाल नाम था उसका। वो एक बार कहीं से उसको एक स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई है। वो स्वर्ण प्रतिमा अपने गुरु के पास लेके आया और उसे उनसे दिया, उनको बताया कि मुझे एक साधु ने दी है और कहा है अपने गुरु से इसका पता लगाइए क्या है ये। तो शीलभद्र जी ने उसको खोला तो उसमें एक दस्तावेज था, एक नक्शा था, और उस नक्शे का ऐसा द्वीप बना हुआ था जो आजकल के हिसाब से भारत में जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो उस जगह का ये चित्र था। और तो आचार्य शीलभद्र ने उसमें नक्शे में ऐसी जगह देखी जिससे लग रहा था कि कोई स्पेशल वहाँ पे है, क्योंकि प्रतिमा सोने की थी तो सोने की भी संभावना थी। इस वजह से आचार्य श्रीभद्र ने एक दल जो है गोपनीय तरीके से बनाया और उसको रवाना करने के लिए भेजा कि अगर ये नक्शे में जगह है तो इसे पता लगाया जाए, क्योंकि वो समुद्र में इलाका था उस ज़माने में पड़ता था और नावें ही चलती थी। इस वजह से एक पूरा समूह जो है वहाँ के लिए भेजा गया, 20-25 आदमियों का, कि आप पता लगा के आइए कि आखिर उस स्थान पर ऐसा है क्या। तो उस नक्श के हिसाब से लोग चलते रहे, तूफान वगैरह काफ़ी झेलना पड़ा, पानी की बरसात वगैरह सब झेलनी पड़ी, और धीरे धीरे करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आज भारत का है उस इलाके में इनका जहाज ठहरा उस नक्शे के हिसाब से। और उन्होंने सोचा कि यहीं शायद ये स्थान हो सकता है। वो असल में वो इलाका जहाँ पर था उस ज़माने में बहुत ही घना जंगल पूरी तरह से था और समुद्र के बीच में एक टापू था जिसे अंडमान निकोबार आज कहा जाता है। उसी स्थान पे जहाँ पे आज के जरावा जनजाति रहती है, काफ़ी प्रसिद्ध जनजाति है भारत देश में, तो उस जरावा जनजाति के आसपास का ही कोई क्षेत्र था। वहाँ पर उनका जहाज रुका, जहाज जब रुका तो नीचे उतरे वो और अंदर चले गए फिर ढूंढने के लिए कि क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ से ये मूर्ति आई है, साधु के द्वारा मिली है। तो गोपाल भी उनके साथ ही था और एक जो नियंता था वहाँ का, जिसको गोपाल के नाम से जानते हैं, वो उनके साथ था व्यक्ति, और उसने कहा ठीक है चलिए अंदर चलते हैं। तो ये लोग अंदर वहाँ जब गए, थोड़ी दूर जाने के बाद अभी जंगल में विश्राम ही कर रहे थे कि तीरों की बौछारें एकदम से हुई और फिर ये लोग इधर उधर भागने लगे, कोई ऐसा तो जो तीरों की बौछारें कर रहा था। धीरे धीरे करके जब भागते भागते पता चला कि करके सब मरते चले गए और केवल गोपाल ही बचा उसमें। अब जब गोपाल बचा, वो भागते हुए एक झरने के पास गया और उस झरने में अंदर घुस गया डर के मारे। लेकिन सबसे आश्चर्य बात पर यह आती कि जो झरना था वो खुद ही एक द्वार था। जैसे वो झरने के अंदर गया, उसके अंदर एक
बड़ी सी गुफा थी और गुफा के अंदर एक पूरी की पूरी नगरी बसी हुई थी। उस नगरी के अंदर जब वो प्रवेश कर गया, थोड़ा ही आगे बढ़ा था, फिर सट से उसको एक तीर लगा उसके भी अंदर जाने पर, और बाएं हाथ में लगा, और उसके बाद वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो देखता है कि उसके सामने बहुत सारी जो हैं स्त्रियां खड़ी हैं जो नग्न शरीर में हैं, और पूरी तरह से सब स्त्रियां ही स्त्रियां थी, वहां पर कोई भी पुरुष नहीं था। वो अजीब नजरों से उसे देख रही थी, और एक ने उसका जो है तीर निकाला और उसका खून पीना शुरू कर दिया। जहां पर उसके बाएं हाथ से खून निकल रहा था उसको चूसने लगी वो, तो ये घबरा गया और इसको पकड़ के बांध दिया गया, और वो खून चूसती रही। खून चूसने के थोड़ी देर बाद वो चिल्ला के बोली अपनी भाषा में, जिसमें वहां फिर खुशियां मच गई, सब नाचने कूदने लगे। तो वो जो लड़की थी वो काफी सुंदर थी, और ये सभी लड़कियां जहाँ जितनी भी थी सारी की सारी मतलब खुले बालों वाली और शरीर के में वस्त्र के नाम पर कुछ भी नहीं पहनती थी, केवल थोड़ा बहुत जो है पत्तों से शरीर को ढकती थी। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी उसके लिए, और उसने ये देखा और ये सोचा कि ये क्या चीज़ है, क्या रहस्य है। तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उनकी भाषा अलग थी, इनकी भी इसकी भाषा अलग थी। थोड़ी देर बाद जब उसकी नज़र जहाँ वो बंधा हुआ था उसके ऊपर गई, तो देखा जो दीवारें थी उन पर सब सोना ही लगा हुआ था। तो उस सोने को देखकर इसके मन में बड़ा विचार आया कि लगता है ये सोना जो है, जो मूर्ति थी, वो यहीं से आई होगी। कुछ देर बाद इन सबको देखता रहा और उस बड़ी सी जनजाति वाली स्त्रियों के को देखने लगा, और सबकी सब एक बीच में मशाल सी जला रखी थी बड़ी सी, उसके चारों तरफ एक मूर्ति बनी हुई थी अजीब सी देवी की, जिसके दो दांत बाहर निकले हुए थे। सब उसकी पूजा कर रहे थे, चारों ओर उसके दौड़ दौड़ के नाचते हुए गाना गा रहे थे। और उन्हीं में से वो लड़की भी थी जो उसे छुप कर देख रही थी, जिसने उसका खून पिया था। उसकी सोच में बड़ा ही प्रेम भरा हुआ था, उसे नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब रात हो गई तो सब स्त्रियां चली गई, तो वो आई और इसके पास आके खड़ी हो गई। इसने उससे कहा, कौन हो तुम, मुझे बताओ, और क्या तुम हमारी भाषा जानती हो, ये सब क्या है। तो वो फिर बोली, हाँ मैं जानती हूँ तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम किसी दूसरी दुनिया से यहाँ पे आए हो, और हमारे ही बाणों से घायल होकर तुम्हारे सारे सैनिक मारे गए हैं, जितने भी तुम्हारे साथ थे तुमको भी हमने बाण मारा है। ये गोपनीय जगह थी हमारा राज्य, इस झरने से जो है अंदर आने का जो रास्ता था, तुम चुपके से यहाँ आ गए, इसलिए तुमको भी बाण मारा गया है। मैंने तुम्हारा खून चखा है, और इस खून को चखने के बाद फिर मैं अपनी देवी, यहाँ की जो महापिशाचिनी देवी है, उसके पास गई और उससे पूछा, तो उसने बताया कि जो तुमने रक्त पिया है वह रक्त तुम्हारे योग्य है। अगर तुम इस पुरुष से विवाह करती हो तो निश्चित रूप से तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो प्रसाद होगा, उस प्रसाद का भोग अगर देवी को लगाया जाएगा तो देवी प्रसन्न होगी और तुम महापिशाचिनी देवी के पद पर आसीन हो जाओगी। तो मैंने पूछा कि तुम्हें तो हमारी भाषा नहीं आती, फिर तुमने कैसे जानी। उनका, हमें मृतात्माओं से संपर्क करना आता है, तुम्हारे ही साथी जो मारे गए हैं उन्हीं में से किसी एक आत्मा से मैंने संपर्क किया, तो उसने फिर मुझे तुम्हारी भाषा सिखाई है, उसी वजह से मैं तुमसे बात कर पा रही हूँ और जान पा रही हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी, और हम महापिशाचिनी देवियों की साधना करते हैं और उन्हीं की साधना से हमको बहुत सी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त हैं, और मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि कैसे हम और हमारी प्रजाति यहाँ पर आई और बस गई। तो ये थी कहानी पहला भाग, और इसमें अब आपके आगे मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर ये लोग या स्त्रियां ही स्त्रियां यहाँ पर क्यों आईं और कैसे आकर के बस गईं, उनकी कहानी अगले भाग में बताऊंगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।